हिंडनबर्ग मामले में एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन, जहां ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी प्रदर्शन में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। व्यापम चौराहे से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। ईडी कार्यालय पहुंचकर डायरेक्टर को ज्ञापन देंगे। बड़ी जानकारी है भोपाल से। हिंडनबर्ग मामले में एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन, ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस करेगी जोरदार प्रदर्शन, जहां मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी प्रदर्शन में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। व्यापम चौराहे से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला गया और ईडी कार्यालय पहुंचकर डायरेक्टर को ज्ञापन देंगे। और संवाददाता शैलेंद्र चौहान भोपाल से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हिंडनबर्ग मामले को लेकर अब कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी कर रही है? बिल्कुल, देखिए हिंडनबर्ग मामले में राहुल गांधी के निर्देश के बाद देश के सभी राज्यों में कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही, प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में आज एमपी में भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। यहां व्यापम चौराहे से ईडी के दफ्तर तक कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जाएंगे, ईडी डायरेक्टर को ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे हिंडनबर्ग मामले में कार्रवाई हो। प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह, वो भोपाल आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत तमाम प्रमुख नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और 12 बजे ये प्रदर्शन होगा। यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भी एकजुट होने लगे हैं। पुलिस ने भी अभी से ही एहतियातन सिक्योरिटी टाइट कर दी है और पुलिस अमला डटा हुआ है। अभी हम कांग्रेस कार्यालय मौजूद है, यहाँ पर भी कुछ ही देर में भंवर जितेंद्र सिंह और सभी प्रमुख नेता पहुंचेंगे और कुछ ही देर बाद यहाँ से फिर रवाना होंगे व्यापम चौराहे पर, और व्यापम चौराहे से ईडी के दफ्तर तक जाएंगे और उसके बाद कांग्रेस ज्ञापन देगी। तो हिंडनबर्ग मामले को कांग्रेस लगातार तूल दे रही है, लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और राहुल गांधी के निर्देश के बाद देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस सक्रिय है। बिल्कुल, यानी कि आज प्रदर्शन की जो तैयारी है वो भी देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। छतरपुर सिटी कोतवाली थाने पर उपद्रवियों के पथराव करने के मामले में सीएम की सख्ती के बाद एक्शन हुआ है। पुलिस ने 40 नामजद और 150 से अधिक अज्ञात लोगों पर कुल 16 धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी में जुटी है। आपको बता दें कि कल एक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सिटी कोतवाली में जमा हुए थे और इसी दौरान उपद्रवियों ने थाने पर पथराव कर दिया। पथराव में TI सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत ही गंभीर माना था और तत्काल दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। भोपाल से खबर है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। बर्फ काटने के सूजा से हुई थी मौत। युवक को उतारा था मौत के घाट आरोपी संजय का युवक से विवाद हुआ था। तलैया थाने के रैन बसेरे के पास ये घटना हुई थी। CCTV की जांच के बाद खुलासा हुआ। बड़ी खबर भोपाल से, जहां अंधे कत्ल का हुआ खुलासा। बर्फ काटने के सूजा से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी संजय का युवक से विवाद हो रहा था और विवाद चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। तलैया थाने के रैन बसेरे के पास ये घटना हुई है। CCTV की जांच के बाद खुलासा हुआ। और चलिए अब आपको एक तस्वीर दमोह की दिखाते हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दरअसल इन दिनों कोपरा नदी में मगरमच्छ का आतंक है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मगरमच्छ पानी में घात लगाए अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही एक कुत्ता नदी में दिखा तो उसका पीछा करने लगा। गनीमत रही कि ग्रामीणों की शोर सुनकर कुत्ता भाग खड़ा हुआ और बाल बाल शिकार होने से बच गया। तो देखिए ये वीडियो सामने आया है, जहां कुत्ता पानी पीने के लिए आया और उसका शिकार करने की कोशिश में मगरमच्छ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हालांकि लोगों की आवाज सुनकर जो कुत्ता है वो यहां से तुरंत तैर कर भाग जाता है और शिकार होने से बच जाता है। मौत के मुंह के पास से निकला कुत्ता। और एक बार फिर से वो कहावत चरितार्थ होती है, जिसमें कहा गया है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मैं जिले में मगरमच्छ जो है बड़ी मात्रा में दिखाई दिए हैं। आज भी कोपरा नदी में एक मगरमच्छ दिखाई दिया था। तो चूंकि मगरमच्छों की संख्या हमारे ज़िले में काफ़ी है, इसीलिए
बहुत ज़रूरी है हमारा कि नदियों में इस समय में हम सावधानी रखें। नदियों के अलावा, इसके अलावा हमारे यहाँ पर कई ऐसे जल स्रोत हैं जहाँ पर जो है झरने बहने लगते हैं प्राकृतिक रूप से, या जलप्रपात जैसा बनने लगता है, है और वहाँ पर लोग जा कर के फिर नहाने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा इनको अवॉइड करना चाहिए। और अब भोपाल से खबर है जहां हेरिटेज मदिरा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। होटल बार में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य होगा, घर में भी रख सकेंगे महुआ की शराब। बार के मेन्यू में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य होगा, घर में 4 बोतल हेरिटेज मदिरा रखने की छूट दी गई है। महुआ के फूल से बनती है हेरिटेज मदिरा और इसे रखने के लिए छूट दी गई है। और ये बाकायदा बार में भी कहा गया कि आपको एक अपने मेन्यू में इसे मेंशन करना होगा, हेरिटेज मदिरा, जो कि घर में भी रखी जा सकेगी। 4 बोतल आप रख सकते हैं महुआ के फूल से, ये मदिरा तैयार होती है। और अब घर में भी महुआ की शराब रख सकते हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां हेरिटेज मदिरा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। हमें से कई लोग हर रोज कई सपने देखते हैं, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं बल्कि जालसाजी करते हैं। वे ऐसा कर अपनी मौज मस्ती वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। एक ऐसा ही मामला रीवा से सामने आया जहां एक 11वीं पास जालसाज ने 11 लोगों से 1 करोड़ की ठगी कर ली और वो ठगी के पैसे से विदेश में मौज करता था। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी हमेशा छिप नहीं सकती। अब पुलिस ने 11वीं पास जालसाज को एक कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है, आगे की जांच में जुट गई है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।